जोड़ सके जो सबको, उसका नाम है एकता, इसी से मिलती है दुनिया में सफलता। नमस्कार, आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम आपके समक्ष एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय एकता क्या है? इसका तात्पर्य किसी देश के निवासियों की सामूहिक पहचान से है। ये दर्शाता है कि भले ही हम सभी विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, जातियों से संबंध रखते हों और अलग अलग भाषा बोलते हों, पर हमें हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि हम सभी एक हैं। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है, अपितु तो अपने लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भी हमारे देश के लोग अन्यायपूर्ण विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक साथ खड़े हो गए थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता पाई। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम आपके समक्ष कदम मिलाकर चलना होगा नामक कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा हास्य रुदन ने तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, मानों में, सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिया, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम शल्त, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सदलित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत अहितों में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति का सामना हमें एकजुट होकर करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, अनेकता में एकता है हमारी शान, हमारा देश महान। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम है मंथन और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाड में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। शिक्षा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दे दिया। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गई तो वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। उनका योगदान। आज़ादी के बाद ज़्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थी, मगर गांधी जी की इच्छा थी कि इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री के पद से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया।
जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करना पड़ा। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के बिना बखूबी निभाया, परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लोह पुरुष कहा गया। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और यह लोह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया। सरदार पटेल का नाम यूं पड़ा, सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया, बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। धन्यवाद। नमस्ते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की आजादी के बाद जिस एकता के सूत्र में राष्ट्र को बांधा था, वह काफी काबिले तारीफ है, जिसकी प्रशंसा आज भी की जाती है। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं आज एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस राष्ट्र की एकता को हमेशा बनाए रखें, इस राष्ट्र की एकता को हमेशा बनाए रखें, दिल में इस जज्बे को हमेशा जगाए रखें। एकता के परिवेश में जब वह रूप हमने पाया, एकता के परिवेश में जब वह रूप हमने पाया, अपना भारत देश ही सोने की चिड़िया कहलाया। भारत माता के सपूतों, भारत माता के सपूतों, क्यों एक दूसरे पर वार करते हो, क्यों देश की अखंडता को तार तार करते हो। राष्ट्र के महापुरुषों ने एकता का प्रचार किया था, सांप्रदायिक विचार का बहिष्कार किया था। प्रेम बांटना ही अपनी पहचान होनी चाहिए, प्रेम बांटना ही अपनी पहचान होनी चाहिए, इस धारणा की सभी के मन में ऊंची आवाज होनी चाहिए। ईश्वर के बच्चों में भेद मत होने दीजिए, ईश्वर के बच्चों में भेद मत होने दीजिए। हर मजहब एक दिखे सिख सबको दीजिए, हर मजहब एक दिखे सिख सबको दीजिए। धन्यवाद। பன்முக தன்மையில் ஒற்றுமை என்பது நமது பெருமை, அதனால்தான் நமது இந்தியா உயர்ந்தது। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। अनेकता मध्ये एकता हीच आपली शान आहे, म्हणून तर आपला भारत देश महान आहे। अनेकता में एकता यही हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत देश महान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। विविधतामा एकता आपनु गौरव, तेथीच आपनु भारत महान छे। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इतिहाद में इत्तेफाक ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा देश महान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। नमस्ते। राम राम सा। खम्मा गनी। हम राजस्थान प्रदेश से हैं। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। वैविध्यते यल्लि एकते नम्म हेम्मे, अदक्कागे नम्म भारत अद्भुतवागिदे। अनेकता में एकता ही हमारा शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत।
ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ 7 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ 2 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਵਨਸਵਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕਤਾ ਮੇਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਧੰਨਵਾਦ വൈവിധ്യത്തിലെ ഐക്യം നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം വലിയത് അനേകതാ മേ ഏകതാ ഹി ഹമാരി ശാൻ ഹൈ തഭി തോ ഹമാരാ ഭാരത് മഹാൻ ഹൈ ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് क्या हुआ आदमी तुम परेशान लग रही हो बहुत अरे कुछ नहीं वो बस राष्ट्रीय एकता दिवस आ रहा है ना तो मेरे को उस पर स्पीच बोलनी है तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है परेशानी ये है कि मुझे राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में कुछ नहीं पता भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इस दिन की शुरुआत केंद्र सरकार ने सन 2014 में दिल्ली में की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए इन्हीं सारे कार्यों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है इस दिन का उद्घाटन नई दिल्ली में श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही साथ उन्होंने रन ऑफ यूनिटी मैराथन की शुरुआत भी इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को एकजुट करने के प्रयासों को देश के सामने और दुनिया के सामने उजागर किया जाए तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता ये तो सबको पता होना चाहिए राष्ट्रीय एकता दिवस तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है हाँ तुम सही कह रही हो मुझे माफ कर दो मुझे पता होना चाहिए था वैसे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओ जी केसरिया बालम आओ ने पधारो दिल लिया है तो जान भी देंगे मैं ये वतन तेरे लिए